क्या हाल है आप लोगों का। जैसा कि थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के TWS बड जी के बारे में। इसकी कॉस्टिंग 3,000 रुपये है और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद के पैसों से खरीदी है, एक महीना यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कॉस्टी एंड वेलकम टू माई चैनल टेक विद कॉस्टी। ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका चार्जर बॉक्स है। खोलने के बाद आपको दो पॉड्स ऐसे दिख जाते हैं जो आप कुछ इस तरह से खोल सकते हैं। साइज में जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़े से बड़े हैं। बड़े होने का नुकसान ये है कि मार्केट में आपको काफ़ी छोटे ईयरफोन मिल जाते हैं जो ऑलमोस्ट आपके कान के अंदर रख सकते हैं, इसका साइज बड़ा है। मगर बड़े होने का फ़ायदा है, पहला इसकी बैटरी बैकअप उनसे ज़्यादा है, सेकेंड ऑडिबिलिटी मतलब आप जो सुन रहे हैं या अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ उस तक साफ पहुंचती है। ये मैंने टेस्ट करके देखा है घर पे और गाड़ी पे। स्कूटर या बाइक की बात वीडियो के आगे मैं आपको बताता हूँ। बैटरी बैकअप इस प्रोडक्ट का करीबन 3 घंटा है फुल यूज़ में, मतलब अगर आप एकदम शुरू से लेके एंड तक देख रहे हैं कोई मूवी या गाना सुन रहे हैं, या आपको मैक्सिमम 2.5-3 घंटे कई बार 3.5 घंटे डिपेंडिंग अपॉन आप किस वॉल्यूम पे सुन रहे हैं उसके साथ बैटरी का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। फॉलोड बाई इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली वन प्लस इज नोन फॉर देयर क्वालिटी। क्वालिटी लेके या फिर सामान को देखने में फैंटास्टिक। आप इसको USB पोर्ट से इस गैजेट को चार्ज कर सकते हैं और जैसे ही आप इसमें अपने एयरबड्स डालेंगे पॉड भी अपने आप ही चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। अगर आप एक प्योर म्यूजिक लवर हैं तो ये प्रोडक्ट इज अ मस्ट बाय फॉर यू। आप आराम से ले सकते हैं, गाना सुन के इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। वोकल्स हाईज लोज बहुत अच्छे सुनाई देते हैं। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा लो हेवी है, ऐसा लगेगा आपको किक या बेस थोड़ा सा ज़्यादा बज रहा है, मगर एज फार एज द म्यूजिक एंजॉयमेंट क्वोशेंट इज कंसर्न कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें गाना सुन के। और इसकी जो ये आवाज़ है ये भी थोड़ी सेटिस्फाइंग सी है, सुनिए। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव साइड की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको कान में लगा के बाइक या एक्टिवा लेके आप निकल जाएंगे, चाहे हेलमेट पहन के हो बिना हेलमेट पहन के हो, और दोस्त यार से बात कर सकते हैं गाना सुन सकते हैं, तो हालांकि ऐसा नहीं होगा। मगर आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि बाइक चलाते हुए आप फ़ोन पर बात करते रहें। इसकी जो माइक की पोजिशनिंग है और अगर हम बात करें नॉइज़ कैंसिलेशन की, हवा के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर हो जाता है 2-व्हीलर में, 4-व्हीलर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉलोड बाई इसका और एक नेगेटिव साइड ये है कि ये थोड़ा सा भारी है। मुझे पता नहीं ये आपके लिए मैटर करता है कि नहीं, मगर फिर भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा भारी है। हाथ में लेके पता लगता नहीं है मगर फिर भी 100-150 ग्राम का ये ज़रूर होगा। माइक है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप बाहर रोड पे वॉक ले रहे हैं तब भी बात कर रहे हैं तो सामने वाले को आवाज़ साफ सुनाई देती है। ये मैंने ट्राई करके देखा है, काफ़ी ऐसे सस्ते प्रोडक्ट हैं जहाँ पे जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो अगले को बहुत तेज़ बात करनी पड़ती है, उनको सुनाई नहीं देता है। ऐसा कोई भी इशू इस प्रोडक्ट के साथ नहीं है, तो अगर आप प्योरली किसी से बात करने के लिए इसको ढूंढ रहे हैं, इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। लास्ट एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक वन प्लस यूज़र हैं और इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इट्स अ फैंटास्टिक डील। इसको खोलते ही आपके फ़ोन के साथ ब्लूटूथ में ऑटो कनेक्ट हो जाता है, मगर ये फीचर सिर्फ आपको वन प्लस के साथ ही मिलता है, किसी दूसरे फ़ोन पे कंपैटिबिलिटी वन प्लस की तरह नहीं है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करते हैं वन प्लस को छोड़ के, तो ये पॉड ना लें। देर आर अदर ऑप्शन इन द मार्केट जो जाके आप देख सकते हैं 3-4 हज़ार के रेंज में, मगर अगर आप एक वन प्लस यूज़र हैं दिस इज़ अ मस्ट बाय फॉर यू। लैपटॉप कनेक्टिविटी की बात करें तो मैंने इसको विंडोज़ में कनेक्ट करके देखा था, काफ़ी टाइम लिया इसने डेल के लैपटॉप में कनेक्ट होने में, इतना आसान नहीं था। अगर आप इसको मैक के साथ कनेक्ट करना चाहें, मैंने वो भी कनेक्ट करके देखा है, दिक्कत मुझे नहीं हुई कि कनेक्शन तो एक ही बार में हो गया। फिर भी मैं प्रेफर यही करूंगा और मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक वन प्लस यूज़र हैं तो ही इस प्रोडक्ट को कंसिडर कीजिए, अगर नहीं है तो देर आर अदर प्रोडक्ट जो मार्केट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं @IAMCosty। मैं इसी चैनल पे हर फ्राइडे लाइव भी आता हूँ, आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ के भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको चैनल का कॉन्टेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू की वीडियो इस चैनल पर थोड़ा कम लाता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि इस चैनल पर मोस्ट ऑफ मेरे अपडेट यूट्यूब या फिर गूगल एड्स के रिलेटेड ही हो जाते हैं। मगर आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रोडक्ट मैं खुद से रिव्यू करूं वही आपके सामने लेके आ पाऊं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।